फ्रेंड्स, एलिगेंस नेम के यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आशुतोष से आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक सेंसिटिव टॉपिक है। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन या तो इनको गे या लेस्बियन ऐसा माना जाता है और समाज उनको अच्छी तरीके से नहीं देखता है। तो आज मैं ये क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये ट्रांसजेंडर लोग और जो गे या लेस्बियन होते हैं उसमें क्या फर्क रहता है, सही में वो कोई डिसऑर्डर या कोई बीमारी है या नहीं है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें चार वर्ड को बराबर समझना जरूरी है। उसमें से जो पहला वर्ड है वो है सेक्सुअल आइडेंटिटी, माने सेक्स आइडेंटिटी। तो ये ऐसी चीज है कि जिसमें जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जेनिटल्स माने प्राइवेट पार्ट को देख के सभी लोगों को पता चल जाता है कि बेटा हुआ या बेटी हुई। तो वो आपके जन्म से आपका जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से आपकी सेक्स डिसाइड होती है कि ये आपकी सेक्स जो है वो मेल है कि फीमेल है। उसके बाद दूसरा आता है कि जेंडर आइडेंटिटी। तो जैसे जैसे पहले 3 सालों में अपने को पता नहीं रहता है कि हम बच्चे जो होते हैं उनको मेल या फीमेल, लेकिन जैसे जैसे उनकी 3 साल की एज होती है तो 3 साल की एज में लड़के लड़कियों को पता चलने लगता है कि मैं लड़का हूँ और ये लड़की है, और उसके हिसाब से ये भी उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स को देख के ही पता चलता है कि उनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। तो जेंडर आइडेंटिटी ये चीज़ है कि जिसको अपने दिमाग में भी उनको पता चलने लगता है कि ये मैं मेल हूँ और जो अपोजिट टाइप के जो जेनिटल्स होते हैं वो फीमेल्स हैं, तो खुद को वो जान सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो ये जेंडर आइडेंटिटी है। इसके बाद होते हैं जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स माने हम अगर पुराने जमाने में जाए तो शिकार करके खाना लाने का काम मेल्स का था और घर पे बच्चे को देखने का खाना पकाने का काम फीमेल्स का था। अभी मेट्रोज में ये जेंडर रोल्स काफ़ी डिफ्यूज हो चुके हैं, सभी जेंडर के लोग ऑलमोस्ट सभी काम करते हैं, लेकिन अभी भी आप अगर गांव में जाओ तो जेंडर जो है वो रोल्स काफ़ी डिसाइडेड है कि मेल्स इस टाइप का काम करते हैं, फीमेल्स होती है ये इस टाइप का काम करती है। भले ही समाज जो है वो या फिर सरकार या जो अपना अभी लीगल एस्टेब्लिशमेंट है वो मानता है कि बेटा और बेटी सेम है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बेटा और बेटी के राइट्स सेम होना चाहिए, उनको जो अधिकार है वो सेम होना चाहिए, लेकिन बेटा और बेटी सेम नहीं है। जैसे कि अगर आप कहीं पे लड़का एक लड़की खड़ी हुई है और किसी को वजन उठाना है कोई चीज़ या भारी बैग उठानी है तो नॉर्मली उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन उठाएगा, वो लड़का ही उठाता है। या कहीं पे आप कोई ऐसा सॉफ्ट काम है या कहीं पे कुछ दीपमाला जलानी है या किसी का इनॉग्रेशन में आपको किसी का सम्मान करना है तो नॉर्मल लड़की ही जाती है। तो ये जो है वो एक बिहेवियर पैटर्न होती है जिसको हम जेंडर रोल बोलते हैं। और उसके बाद होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन माने जब हम एडल्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमें अपनी प्यूबर्टी के बाद अट्रैक्शन होने लगता है। तो जब भी कोई लड़का है उसको नॉर्मल जो अट्रैक्शन होता है वो लड़कियों के लिए होता है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो लड़के हैं उसको किसी लड़के की तरफ अट्रैक्शन होता है, और दूसरी बार ऐसा देखा गया है कि कोई लड़की होती है उसको एक लड़की की तरफ अट्रैक्शन है। तो जो लड़का है उसको लड़की की तरफ अट्रैक्शन है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर लड़के को लड़के की तरफ अट्रैक्शन है तो उसको गे बोला जाता है, और जो लड़की को लड़की की तरफ अट्रैक्शन है उसको लेस्बियन बोला जाता है। और इसमें बीच में आते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर माने वो लोग जो जिनका जो बॉडी है माने जिनका जो सेक्स है वो मेल या फीमेल है, लेकिन उनकी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो उसकी अपोजिट है, माने उनका शरीर है मेल का और वो बनना चाहते हैं फीमेल, या उनको लगता है कि मैं फीमेल हूँ और मेल की बॉडी में कैद हूँ, या फिर वो शरीर से फीमेल है लेकिन उनको लगता है कि मैं मेल होती शायद मुझे भगवान ने मेल बनाया होता। तो ये जो चीज़ें हैं उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो गे मेल या लेस्बियन फीमेल दोनों में डिस्टेंस क्या है
और ट्रांसजेंडर मेडिसिन क्या है, लोग उनको खराब नजरों से देखते हैं, लेकिन ये सभी चीजें साइकियाट्री की बुक्स के हिसाब से नॉर्मल है। आज गे होना या लेस्बियन होना या ट्रांसजेंडर, अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट को पूछते हैं तो वो बताएंगे ये डिसऑर्डर नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज है कि किसी को किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। तो ये जो चीजें हैं उसमें से ट्रांसजेंडर और गे या लेस्बियन में क्या फर्क है कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो अपनी बॉडी को हेट करते हैं, माने वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी चेंज हो जाए। जबकि कोई लड़का है वो लड़के को चाहता है वो ठीक है, लेकिन वो अपनी बॉडी से खुश है, वो मेल ही रहना चाहता है, वो फीमेल नहीं बनना चाहता। जबकि ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो अगर लड़के को चाहते हैं या नहीं भी चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मेल बॉडी को छोड़ना चाहते हैं, वो मेल में से फीमेल बन जाऊं तो कैसा, ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं। तो ट्रांसजेंडर और गे या लेस्बियन में मेन फर्क ये है कि गे या लेस्बियन, अगर गे है तो वो मेल ही बना रहना चाहता है, लेस्बियन है तो वो फीमेल ही बनी रहना चाहती है, और उनके पार्टनर फीमेल या मेल हो सकते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो हमेशा अपनी अपोजिट सेक्स में ही लाइफ जिंदा रखने की या उसमें अपने सोशली एक्सेप्टेड होने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज जो हैं वो हम अभी अपने समाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो है साइकेट्री की मदद से वो उसको हम काउंसिल कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। दूसरा कि पहले जो था ट्रांसजेंडर्स के लिए जो सिंड्रोम माना जाता है उसको जेंडर आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर बोला जाता था, माने डिसऑर्डर माने कुछ तो प्रॉब्लम है ऐसा माना जाता था, लेकिन वो शब्द को भी अभी हटाया गया है, उसको जेंडर डिसमॉर्फिया बोलते हैं, माने इसमें ये कोई रोग नहीं है या ये कोई तकलीफ वाली चीज नहीं है ऐसा आजकल साइंस मानता है। तो ये सब चीजें मैंने ये वीडियो में क्लियर करी। मेरे ख्याल से आप जब भी ये लोगों को देखें तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि उनको भी अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने की आज़ादी होनी चाहिए, और ये लोग जो होते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए। और अगर ये पेशेंट्स एलिगेंस क्लिनिक में आते हैं तो उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए या जो नेगेटिव कमेंट्स या उनको जो नज़रों का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े, उस तरह की हम केयर भी लेते हैं, और हम ऐसा भी सोचते हैं कि बाकी समाज भी धीरे धीरे उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जर्नी काफी डिफिकल्ट रहती है और इंडिया में या भारत में ये सब चीजें एक्सेप्ट होने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि गे और लेस्बियन और या ट्रांसजेंडर में क्या फर्क है, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक या सब्सक्राइब हमारी चैनल को कर सकते हैं, और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।